प्रदेश भर में शिक्षा क्षेत्र में अव्वल जिला हमीरपुर में बदहाल शिक्षा का नजारा देखने को मिल रहा है। जिला की पिछड़ी पंचायत टिप्पर के प्राइमरी स्कूल के नौनिहाल आसमान तले शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि विभागीय उदासी के चलते गत 6 महीनों से अनसेफ स्कूल भवन को गिराए जाने के बाद अब बच्चे निजी निर्माणाधीन मकान के अंदर व बाहर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आलम ऐसा है कि नौनिहालों को तेज धूप में बैठना पड़ रहा है और ज्यादा बारिश होने पर 2 कमरों में ही 5 क्लासें लगाई जा रही हैं। इसे विभागीय उदासीनता कहें या फिर लापरवाही की, प्राइमरी स्कूल के भवन के लिए 12 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज दिन तक काम शुरू नहीं हो पाने से बच्चों के परिजन भी चिंतित हैं, क्योंकि अब जिस निजी निर्माणाधीन भवन में स्कूल चल रहा है उसके मकान मालिक ने भी घर के कार्यों को पूरा करवाने के चलते खाली करने के लिए कह दिया है, जिससे अब बच्चे कक्षाएं कहां लगाएं इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि संबंधित विभाग से सभी एसएमसी कमेटी सदस्यों परिजनों ने कई बार जल्द स्कूल भवन कार्य करवाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। एसएमसी प्रधान सपना कुमारी ने बताया कि स्कूल भवन बनाने के लिए विभाग आनाकानी कर रहा है और इस कारण बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार लिखित पत्राचार भी हुआ है, लेकिन फिर भी काम शुरू नहीं हो सका है। बच्चे बाहर बैठा थे, बच्चे जो स्कूल नहीं है, कने स्कूल से पे गिरी है, गिराई थी ऐसा है, कने हरे खाते चल 12.5 लाख आए, कने से वापस ले लेते हैं, 2 बार लेटर हम भेजी थे, कने वापस करी थे पैसे, कने बोलिया कि पे स्कूल पे हूं और डिपार्टमेंट वाले देना हा, कने पे तुम तेन बनवाना हा, पे कने बच्चे जो ना है भी बाहर कड़ी देने बच्चे से बोला देते ना जहां कमरा ली मकान मालिक बोला दे वहां तीन दे कमरा लीते आते ने बोला पे यहां बाहर कड़ी देने बच्चे कने यहां भी काम लाना है मकान नारा पे। पंचायत के बार सदस्य ने मांग करते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूल के भवन का कार्य जल्दी शुरू किया जाए और ताकि बच्चों को हो रही परेशानियां दूर हो सके। पंचायत यही चाहती है कि ये स्कूल बनना चाहिए। पहले भी हमारी बच्चियों के साथ 2 बच्ची हमारी मैन में रह गई थी, तो कैसे भी हो चाहे हमारी बिल्डिंग बनानी चाहिए, कैसे भी हो। तो क्या समस्या क्या पेश आ रही है? थोड़ा समस्या सर ये इस टाइम बिल्डिंग जो पुरानी थी वो गिरा दी गई, अभी किसी के घर में बिठा दिए गए, तो बच्चे अभी उनका स्कूल घर का काम हुआ हुआ, तो कैसे बात बनेगी? अभी बच्चों को बाहर बिठा रहे हैं, तो हम सभी इसीलिए गांव वाले इकट्ठे हुए कि कुछ दिन और निकालो जिससे बिल्डिंग तैयार होने में वक्त लगेगा, तो चलो जितने दिन और इस समस्या का समाधान करते हैं। कड़ी धूप में स्कूल में पढ़ रहे नौनिहालों ने बताया कि स्कूल के गिराए जाने के बाद घर के आंगन में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। स्कूल तोड़ दिया। तो अब आपके धूप में बाहर ही बैठते हो? हाँ। बारिश होते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। आप लोग बाहर ही बैठते हो, क्यों बैठते हो बाहर? गिर गया। धूप में बाहर बैठते हैं आप लोग? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। आपका स्कूल कहाँ था पहले? गिर गया था। गिर गया है, तो आप लोग कहाँ बैठते हो? बाहर बैठते हो? धूप है तो कहाँ धूप में बैठ बैठते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। बेटा पहले आपका स्कूल कहाँ था? वहाँ। वो अब क्या हुआ स्कूल को? गिर गया। तो अब आप धूप में बैठते हैं कहाँ? बारिश हो तो क्या करते हैं? बाहर। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं कि स्कूल नया बनाया जाए? वही बड़स विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने भी कुहानी स्कूल के भवन निर्माण कार्य में देरी पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की राज में शिक्षा का बुरा हाल है और सरकार लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। 98 के बाद स्कूल दिया प्राइमरी ठाकुर प्रेमनाथ धूमल जी ने, और बहुत बढ़िया भवन बनाया और उसमें बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने बंदे को कैसे एनओसी दे दी, एक्स ने भी बहुत अच्छा भवन बना हुआ था, पर ठेकेदारों को बनी फिर देने के लिए उसको गिराया गया। और जिन अधिकारियों ने कर्मचारियों ने गलत काम किया, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे आईपीएच पीडब्ल्यूडी के अंदर बिजली विभाग के अंदर टेंडरों में गड़बड़ी है, धूमल जी की साहब सरकार बनेगी, सारे घोटाले उजागर करेंगे, उन अधिकारियों को सजा मिलेगी। एक बात और, उधर इस बारे में जब हमीरपुर शिक्षा प्रारंभिक उप निदेशक से पक्ष लेना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि इस बारे में पड़ताल करके बाद में बता सकता हूँ।
गौरतलब है कि प्राइमरी स्कूल के भवन को गिराए जाने के बाद से लेकर कई माह बीतने पर भी काम शुरू नहीं होने पर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में आ रही है और इस मामले में लापरवाही बरते जाने पर अब ग्रामीण भी लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं ताकि नौनिहालों को अपना स्कूल भवन जल्दी मिल जाए। कैसे दिया आपने? हाँ जी, थोड़े दिन चलाया स्कूल, फट गया, दीवारा फटी गई, कने फिर इसको गिराया गया स्कूल को, कने फिर बोला पे गवर्नमेंट ने भी हम पैसा दिया कने और बनाएंगे नई बिल्डिंग, ता फिर बोला पे हम काम चलाएंगे अभी इस महीने भी दस काम कर चलाएंगे, पिछले महीने काम चलाएंगे फिर नहीं चलाया, और हमने घर दिया थोड़े दिन, चलो बच्चे बैठी होंगे ता हूं हाँ भी काम लाना, हाँ घर का काम कोई नहीं होया, सिर्फ प्लास्टर वगैरह कराया है और अब हम मटेरियल सटा रहे सामान ला रहे, तो हमने काम कराना है आगे, हमें भी मुश्किल है, बच्चे हम हमारे भी लड़के के ब्याहने वाले हो गए हैं शादी वाले, तो इसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा घर मुकम्मल करने के लिए, इतनी रिक्वेस्ट थी भाई यहाँ का स्कूल बनाया जा जल्दी से जल्दी। यहाँ से रिपोर्ट गई थी कि वो बिल्डिंग जो है सही नहीं बनी है और उसमें कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए वो बाद में वो डिसमेंटल किए गए। तो अब क्लासेस कहाँ लग रही है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी पास में एक गांव के बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने अपना मकान में इसको रख लिया, अभी वो निःशुल्क है। तो अब स्कूल का भवन क्यों नहीं बन रहा है, क्या समस्या पेश आ रही है, क्या कह रहे हैं? इसलिए भी संबंधित पदाधिकारी दो तीन बार आए और वो हम लोगों को आश्वासन दे गए कि ये जल्दी से जल्दी काम चालू हो जाएगा। समस्या भाई जी, पहले तो स्कूल बनाया गया, फिर मकान वो स्कूल ठीक नहीं था, फिर मतलब है सारा फटी चुक हुआ है, फिर बोला स्कूल ढाई था पाई समान सारा चली गया, बच्चे हमें बाहर पड़ा दे इस वक्त, फिर आई गाँव से बिल्डिंग ली, फिर भी मतलब बिल्डिंग बच्चे रखू दे, अच्छा उन सब लगे है काम करना, तब दसा तो उन बच्चे को तो बठिया ने आए, आप इस वक्त जो है 11 बच्चे स्कूल च पढ़ा दे, कहीं से दोनों वास्ते स्कूल आओगे भाई पांच हो भाई चार हो भी स्कूल स्टार्ट रहना इतनी। हाँ जी, अहम चाहते स्कूल बने बिल्डिंग बन जाए, इतनी बच्चे को जाना है 4 किलोमीटर दूर स्कूल है, मतलब तिथि जाना सत नारे पार कर दे।